नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कुणाल टेक्निकल सॉल्यूशंस में। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कंप्यूटर जो है ये मैं आज एक सिस्टम लेकर आया हूँ लेनोवो का। कहने को तो दोस्तों ये जो है सेकेंड हैंड सिस्टम है, देख सकते हैं, बट इसका जो है आज मैं आपको पूरा इंस्टॉलेशन बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो है इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके बैक साइड में ये जो है सारे पोर्ट्स लगे हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं सारे पोर्ट्स होते हैं जो कंप्यूटर में। दोस्तों इसमें कौन सी चीज़ कौन से पोर्ट में लगती है और इस पोर्ट के क्या क्या फायदे होते हैं, तो आज जो है ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। वीडियो भले ही थोड़ी सी बेसिक होने वाली है पर दोस्तों बहुत ही काम की वीडियो है। आजकल लोगों को ये नहीं पता होता कि ये सारे पोर्ट जो है किस लिए कंप्यूटर में पीछे होते हैं, और अगर हम न्यू कंप्यूटर हम परचेस करते हैं तो उसको किस तरीके से सेटअप किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं इस एलईडी से इस कंप्यूटर को किस तरीके से कनेक्ट किया जाएगा, और ये जो सारे पोर्ट जो दिए गए हैं पीछे इसमें कौन सी चीज़ कैसे लगती है। जैसे मान लीजिए PS2 कीबोर्ड कहाँ पर लगता है, या USB माउस कीबोर्ड वगैरह कहाँ लगते हैं, या फिर हमें LED से कनेक्ट करना होता है तो कौन सी केबल किधर कनेक्ट होती है, स्पीकर कनेक्ट करना होता है तो कहाँ कनेक्ट करना होता है, तो सारे पोर्ट्स की जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो अभी जो है मैं आपको इस पोर्ट्स की तरफ फोकस करके दिखाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप इन सारे पोर्ट्स के बारे में आपको प्रॉपर पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पोर्ट्स की तरफ और आपको एक एक करके जो है मैं पोर्ट्स की जानकारियां देता हूं, और उसके बाद जो है पूरा आपको सेटअप करके भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो है LED के साथ में अपने नए कंप्यूटर को सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पोर्ट्स की तरफ। तो दोस्तों मैं ले आया हूं आपको पोर्ट्स की तरफ। तो सबसे पहले आप जो है ऊपर देखेंगे ये होती है SMPS, तो इसके अंदर जो है हम पावर केबल को लगाते हैं, देख सकते हैं। तो इसी से जो है हमें जो हमारे CPU को जो है पावर मिलती है, देख सकते हैं। इसके अंदर जो है 3 पिन वाली हम वायर को लगाते हैं जो कि प्लग से सीधा हमारे जो है CPU के अंदर आती है। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये दोस्तों इसको कहते हैं PS2, तो ये PS2 पोर्ट होते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों देखिए कहीं पर भी मेंशन नहीं है इसके अंदर जो है PS2 कीबोर्ड माउस लगते हैं। तो आप पहचान कैसे करेंगे कि किसके अंदर जो है कीबोर्ड लगेगा और किसके अंदर जो है माउस लगेगा। तो दोस्तों आपको जो है मैं बहुत ही यूनिक और बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताने वाला हूं, जिससे आप जो है बहुत ही आसानी से पहचान लेंगे कि किस तरीके से इसके अंदर PS2 वाले में किस में माउस डलेगा और किसके अंदर जो है कीबोर्ड लगेगा। दोस्तों देखिए इधर जो है कैबिनेट जो है बिल्कुल खाली है, मतलब ज़्यादा स्पेस नहीं है यहाँ पर, आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे कैबिनेट का एंड होने वाला है। जहाँ पर एंड होने वाला है कैबिनेट का वहाँ पे हमेशा लगेगा कीबोर्ड, तो ये पर्पल वाले के अंदर हमेशा जो है कीबोर्ड लगेगा। और दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरफ जो है स्पेस बहुत ज़्यादा है, इस तरफ देख सकते हैं स्पेस बहुत ज़्यादा है कैबिनेट का, तो हमेशा इस तरफ जो है माउस लगेगा, तो ग्रीन कलर वाले में इसमें माउस लगेगा। दोस्तों कई बार ये हो सकता है कि ये जो पर्पल वाला है वो इस तरफ हो और जो ग्रीन वाला है वो हो इस तरफ, तो आपको तब भी इसी फॉर्मूले को अपनाना है भले ग्रीन इस तरफ हो। तो कैबिनेट के यहाँ पे जहाँ पे एंड हो जाता है हमेशा ध्यान रखना है आपको उस साइड पे जो है कीबोर्ड ही हमेशा लगेगा। और जो यहाँ पे स्पेस सबसे ज़्यादा है, देख सकते हैं इस तरफ स्पेस ज़्यादा है, तो इधर हमेशा जो है माउस लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप जो है बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे कि किस जगह पे जो है कीबोर्ड माउस PS2 में लगता है कैबिनेट के अंदर कंप्यूटर में। दोस्तों अब नीचे आप देख पा रहे होंगे ये एक आपको रेड कलर का यहाँ पे पोर्ट दिख रहा होगा, तो दोस्तों इसके अंदर जो है हमारा प्रिंटर कनेक्ट होता है। तो अब जो है हमारे पास अब तो जो है वाईफाई वाले प्रिंटर, वायरलेस प्रिंटर या USB प्रिंटर हमारे यूज़ होते हैं, बट ये वाले जो प्रिंटर होते हैं दोस्तों ये ऑफिसेज वगैरह में या फिर गवर्नमेंट जो दफ्तर होते हैं जहाँ पे प्रिंटिंग वगैरह का काम होता है, या फिर अभी भी जो है सरकारी दफ्तरों में यही वाला प्रिंटर यूज़ किया जाता है, उस प्रिंटर में भी जो है सेम पोर्ट लगा होता है, और हमारे कंप्यूटर में भी सेम पोर्ट ये वाला होता है। तो इसमें जो है हम केबल लगाकर उसमें प्रिंटर में भी केबल को डाल के दोनों तरफ जो है कनेक्ट प्रिंटर को कर लेते हैं, तो ये प्रिंटर कनेक्ट करने के काम हमारा पोर्ट जो है आता है।
और आप जो है ये वाला पोर्ट देख रहे होंगे, ये वाला पोर्ट जो है दोस्तों पुराने जो सीआरटी मॉनिटर आते थे दोस्तों, जैसा कि आपको याद होगा आज से 10 15 20 साल पहले जो कंप्यूटर आया करते थे उसमें आजकल की एलईडियां तो लगती नहीं थी, तो जो सीआरटी जो आते थे पहले की तरह जैसे टीवी आते थे वैसा जो मॉनिटर होता था वो इससे कनेक्ट होता था, उसे कहते थे हम मेल वीजीए। तो मेल पोर्ट वाली जो वीजीए आती थी वो इससे कनेक्ट होती थी और उसमें भी मेल पोर्ट होता था आपके सीआरटी मॉनिटर के अंदर में, तो इससे और वो जो है सीआरटी मॉनिटर इससे कनेक्ट हो जाता था। तो ये पोर्ट जो है सीआरटी मॉनिटर के लिए दिया जाता था मेल पोर्ट के लिए। दोस्तों अब आप नीचे देखेंगे ये जो है यहाँ पे वीजीए पोर्ट है दोस्तों, ये वीजीए पोर्ट जो है ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर पोर्ट माना जाता है, क्योंकि इससे जो है आपकी आजकल की सारी एलईडीज भी आप कनेक्ट कर सकते हैं और आप जो है इससे पहले वाले सीआरटी भी कनेक्ट कर लेते थे, क्योंकि पहले के जो सीआरटी होते थे वो भी जो है इसको जो है फीमेल पोर्ट भी एक तरह से कहा जाता है, क्योंकि अब जो है हमारी जो वीजीए केबल होगी वो पिन वाली होती है तो वो पिन जो है इसके अंदर चली जाती है, तो पिन से ये जो होता है इसको फीमेल पोर्ट हम कहते हैं। तो फीमेल वाले पोर्ट वाले जो सीआरटी मॉनिटर होते थे वो हमारे वीजीए से कनेक्ट होते थे, तो उसके अंदर भी जो है सीआरटी मॉनिटर के अंदर वीजीए पोर्ट होता था और इसके अंदर भी वीजीए पोर्ट है तो इसको जो है हम कनेक्ट कर लेते थे, और आजकल की एलईडीज में तो वीजीए पोर्ट होता ही है तो बहुत ही आसानी से जो है कंप्यूटर हम वीजीए केबल से एलईडी से कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आप नीचे देखेंगे तो ये चारों जो है ये यूएसबी पोर्ट होते हैं, देख सकते हैं ये चारों यूएसबी पोर्ट है, तो इसके अंदर जो है हमारे कीबोर्ड माउस पेन ड्राइव डाटा केबल या कार्ड रीडर हो गया, तो कार्ड रीडर आप कनेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर, तो ये सब चीज़ें जो है यूएसबी में कनेक्ट होती है, और स्पीकर आपको कनेक्ट करना हो तो स्पीकर भी आजकल जो है यूएसबी वाले आ रहे हैं, तो यूएसबी स्पीकर भी आप इसके अंदर जो है बहुत ही आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसको जो है हम यूएसबी पोर्ट कहते हैं। दोस्तों ये आप यहाँ पे एक पोर्ट देख रहे होंगे, इस वाले पोर्ट को दोस्तों कहते हैं लैन पोर्ट, तो ये लैन पोर्ट होता है, इससे जो है हम राउटर से डायरेक्ट लैन केबल लाकर अपने कंप्यूटर में लगाकर बहुत ही फास्ट इंटरनेट चला सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हम लोग कहते हैं कि हमने प्लान तो ले रखा है 100 MB 200 MBPS का बस, बट हमारी जो स्पीड आती है वो 50 MBPS की आती है, तो दोस्तों वो जब डोंगल हम लगाते हैं इसमें तो हमें 50 या 60 MBPS की स्पीड मिलती है, 200 MBPS का प्लान हो भले 100 MBPS का प्लान हो, बट जब आप राउटर से लैन केबल इसके अंदर लगाते हैं तो अगर आपका 200 MBPS का प्लान है तो आपको पूरी 200 MBPS की ही स्पीड देखने को मिलती है, तो काफ़ी अच्छा पोर्ट है इसके अंदर जो है राउटर से सीधा लैन केबल लगाकर आप बहुत फास्ट इंटरनेट चला सकते हैं। अच्छा दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है, ये जो पोर्ट होता है ये नेटवर्किंग में भी बहुत काम आता है, अगर आपको एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर कनेक्ट करना है या फिर एक कंप्यूटर से दूसरा लैपटॉप कनेक्ट करना है तो लैन वायर के थ्रू जो है आप उसको कनेक्ट एक दूसरे से कर सकते हैं, तो काफ़ी काम का पोर्ट माना जाता है इसको कंप्यूटर के अंदर, तो बहुत काम का पोर्ट ये होता है। दोस्तों नीचे आप देख सकते हैं ये तीन पोर्ट है, एक जो है आपका पिंक कलर का है, एक जो है आपका ग्रीन कलर का है और एक जो है आपका ब्लू कलर का ये है। तो दोस्तों सबसे पहले बीच वाले पोर्ट की आपको बात बताता हूँ, बीच वाला पोर्ट जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्ट होता है। तो जैसे आपका यहाँ पे स्पीकर लगता है तो स्पीकर में दो तारें होती है, एक होती है यूएसबी की और एक होती है ऑक्स की, तो यूएसबी वाली जो तार है वो आप लगाएंगे यूएसबी के अंदर में और जो दूसरी ऑक्स वाली वायर होती है वो हमेशा बीच वाले पोर्ट में ही लगती है। हमेशा आप देखेंगे कोई भी स्पीकर की होगी तो ऑक्स वो हमेशा बीच वाले पोर्ट में लगेगी, क्योंकि ये स्पीकर का आउटपुट वाला पोर्ट होता है। और दूसरा आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो पिंक वाला पोर्ट है ये हमेशा माइक के लिए यूज़ होता है, कभी आप जो है जैसे YouTube की वीडियो बनानी हो या फिर आपको कभी भी कोई चीज़ अपने कंप्यूटर में इनपुट देनी हो अपनी वॉइस का तो आप जो है इसके अंदर हमेशा जो है माइक को यूज़ करेंगे, हमेशा जो है बीच वाला होता है स्पीकर के लिए आउटपुट के लिए और ये होता है माइक के लिए, तो माइक हमेशा आपको जो है इस पिंक वाले पोर्ट में ही लगाना है। दोस्तों आप तीसरा देख रहे होंगे ये वाला पोर्ट जो है ब्लू कलर वाला, तो दोस्तों ये वॉइस इनपुट का पोर्ट होता है ब्लू वाला, तो कभी आपको अगर किस कोई सी आपको जो है स्पीकर की वॉइस आपको इनपुट करनी है अंदर की तरफ तो आप जो है इस वाले पोर्ट का यूज़ करेंगे, ये इनपुट वाला पोर्ट होता है,
ये जो होता है आउटपुट वाला होता है और ये जो होता है माइक के लिए होता है। दोस्तों नीचे आप देख सकते हैं, ये आपको खाली जगह दिख रही होगी, दो खाली जगहें हैं यहाँ पे, एक तो एक का तो निकला हुआ है यहाँ से लोहा, एक दूसरा जो है यहाँ से बंद है, आप इसको भी निकाल सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर जब हम कैबिनेट को खोलेंगे तो दो PCI स्लोट्स होते हैं, जैसा कि आप देखेंगे इसके अंदर दो PCI स्लोट्स होते हैं। इसके अंदर दोस्तों हम जो है ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं, या फिर मान लीजिए कभी अगर हमारे USB काम नहीं कर रहे पीछे वाले, तो हम एक एक्सटर्नल USB कार्ड लगा के भी USB को यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हमारी ऑडियो काम नहीं कर रही, तो हम एक्सटर्नल जो है PCI स्लोट में ऑडियो कार्ड लगा सकते हैं। तो ये सब चीज़ जो आपको पोर्ट्स अभी मैंने दिखाए हैं, इस सब के एक्सटर्नल कार्ड भी मिलते हैं, जो कि एक्सटर्नल कार्ड जो है आपके ये PCI स्लोट्स में लगाए जाते हैं। तो PCI स्लोट्स भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो दोस्तों अभी जो है मैंने आपको सारे पोर्ट्स के बारे में बता दिया है। ये पोर्ट जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये एक्स्ट्रा पोर्ट इसके अंदर दिया गया है। मान लीजिए पहले जो है ये वाले पोर्ट यूज़ किया जाते थे, आपको मैंने बताया था CRT मॉनिटर के लिए, तो कभी अगर मदरबोर्ड का ये जो पोर्ट है ये ख़राब हो जाता है, तो इसमें एक अलग से भी पोर्ट दिया गया है, अगर ये ख़राब हो जाए तो आप इसके अंदर लगा के इसको यूज़ कर सकते हैं, ये एक एडिशनल पोर्ट इसके अंदर दिया गया है। तो दोस्तों ये सारे पोर्ट्स की जानकारी जो है मैंने आपको बहुत ही आसानी से दे दी है। और दोस्तों आगे आप देख सकते हैं आगे की तरफ, तो आगे की तरफ भी दोस्तों आपको जो है दो USB दिए जाते हैं इसके अंदर, ये दो USB हैं। मान लीजिए कभी आपके दो USB पीछे मदरबोर्ड के काम नहीं करते, तो आप जो है आगे के फ्रंट USB भी यूज़ कर सकते हैं। और आगे की तरफ भी आपको ये दो पोर्ट दिए जाते हैं, पीछे तो तीन होते हैं बट आगे आपको जो है सिर्फ दो पोर्ट दिए जाते हैं। मान लीजिए मदरबोर्ड का अगर आपका पोर्ट नहीं काम करता, तो आप जो है इसके अंदर जो आप ग्रीन वाला देख रहे हैं, ग्रीन वाले में आप जो है लीड लगाएंगे या फिर आपके जो है स्पीकर वगैरह इसके अंदर कनेक्ट करेंगे, और जो ये आपका दूसरा जो है पिंक वाला पोर्ट, इसके अंदर आप माइक यूज़ करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर तो मेंशन भी किया गया है, यहाँ पे हेडफोन बना हुआ है, यहाँ पे माइक बना हुआ है, और इसके अंदर ये हमारा DVD राइटर होता है, ये इसका बटन होता है, इसको दबा के जो है हम DVD राइटर बहुत ही आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, मैंने कितने ही आसान तरीके से जो है आज आपको सारे पोर्ट्स की पूरी जानकारी दी, वो भी बहुत ही डिटेल के साथ में। दोस्तों इसका जो है पार्ट 2 भी आएगा, तो पार्ट 2 के अंदर जो है मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है नया कंप्यूटर जो है किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं, किस तरीके से इस LED को जो है VGA केबल से कनेक्ट कर सकते हैं, और किस तरीके से जो है आप कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाती अगर ये वीडियो भी जो है ये चीज़ भी जो है आपको मैं इस वीडियो में बताता, तो इसका जो है हम पार्ट 2 लेकर आएंगे, तो शायद इसका पार्ट 2 जो है एक दो दिन में आ जाएगा, या तो कल आ जाएगा या फिर परसों ये आ जाएगा। तो अब जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लग पाए कि नया जो कंप्यूटर था उसको किस तरीके से सेटअप किया जाता है, और इन पोर्ट्स का जो है किस तरीके से यूज़ में लाया जाता है, मतलब इसका जो है इन पोर्ट्स का जो है क्या क्या काम होता है वो आज की वीडियो में मैं आपको बताया। तो इसको जो है अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि बेल आइकन दबाने के बाद आपको जो है मेरे पार्ट 2 की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।